वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक शिक्षक के शराब पीकर सरकारी स्कूल में आने का मामला सामने आया है। वहीं शिक्षक का एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि ग्रामीणों ने शिक्षक की पोल खोलने के लिए वीडियो बनाया है और उससे पूछताछ भी की है। वहीं इस दौरान शिक्षक ने भी शराब पीकर आने की बात स्वीकार की। दरअसल यह मामला सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र की बिंदुल ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिंदुल का है। यहाँ एक शिक्षक शराब पीकर क्लास में पहुंचा। इस पर ग्रामीणों ने शिक्षक के नशे की हालत में क्लास में पहुंचने का वीडियो भी बना लिया। वही जानकारी के मुताबिक स्कूल के एक शिक्षक ने इस बात की पुष्टि की है कि शिक्षक पहले भी कई बार शराब पीकर स्कूल आ चुका है। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वह शराब पीकर स्कूल आने से बाज नहीं आ रहा। वीडियो सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी SP सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली से राजेश दुबे की रिपोर्ट। अच्छा, मेरी क्लास देखी का देखी, ठीक है ना? मैं जानता ना। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रताप रावत। लाभ ही मैं जानता हूँ ना। मैं पूरी पृथ्वी कानून तो ही जानता। रोज आप पीते हैं कि नहीं, कभी कभी? नहीं, कभी कता नहीं, पीने का था ना। कभी कभी पीते हैं? ये है कि है ना, मैं आज कितना पी लिए हैं? कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत। ये है पुत्र का साहब, मैं पूरी पृथ्वी के कानून जानता हूँ। कहा जानता है ना, ये नोट कर लेना, ये बोला ना, वर्ल्ड ऑफ है ना, मुझे नॉलेज ही बोला आपला है ना। आप आए हैं ना, ऐसे कहीं छाप दे रहे, मेरे भाग्य से आए। कहा है ये जो टीचर आपके, ये नशे के हालत में दूत यहाँ पे बैठे हैं, और क्या इनकी रवैया रहती है बताओ? बोलो, ऐसे रोज पी के आते हैं क्या? हाँ। रोज पी के आते हैं? हाँ। और तुम लोगों को मारते भी हैं? हाँ। अच्छा, मैडम आप यहाँ पढ़ाती हैं, टीचर हैं? कौन से पद पे? प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं, अभी आई हूँ, मतलब नवनियुक्ति शिक्षक हूँ। तो ये मतलब मैं जब आई थी ज्वाइनिंग के लिए, तब भी ऐसे ही पाए गए थे। अच्छा, ये जो टीचर है इनका क्या नाम है? इनका नाम है राम प्रताप कोल। राम प्रताप कोल जी, इनका नशे की हालत में रोज स्कूल आते हैं ये? हाँ, ये यही रहते हैं स्कूल में, कमरा ये लिया है इनने, स्कूल का ही है जो। तो ये बच्चे कभी क्लास लेते हैं क्या? नहीं, ये कभी नहीं। बच्चों का कभी नहीं पढ़ाते हैं? सर, रोज का सिस्टम इनका यही है? हाँ, ये क्लास में कभी नहीं जाते, मैं पूरा टाइम क्लास लिए रहती हूँ, पढ़ाती हूँ, ये एक भी क्लास लेने कभी नहीं आते। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक शिक्षक के शराब पीकर सरकारी स्कूल में पीकर आने का मामला सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शिक्षक का जवान बहुत लड़खड़ा रहा है, वह कुछ अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा है, और ये शिक्षा स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी मामले में अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश दुबे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ये एक बड़ा मामला है, जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक पी कर आ रहा है, उसकी जुबान सीधे सीधे लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है, वो बच्चों के प्रति कोई सतर्क नहीं है। इस पर क्या जानकारी देंगे आप? जी हम आपको बता दें, सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय कमई संकुल क्षेत्र बिंदुल है, यहाँ के अध्यापक राम प्रताप रावत जो नशे की हालत में विद्यालय जाते अक्सर जाते हैं, जिसे ग्रामीण लोगों द्वारा वीडियो शूट किया गया और उसको वायरल किया गया। वहाँ के छात्र और छात्राओं के द्वारा भी यह बताया गया कि शिक्षक अक्सर आया करते हैं नशे की हालत में, और वहाँ पे पदस्थ वर्तमान महिला शिक्षिका कांक्षा ठाकुर का भी बयान है कि मैं जिस दिन से पदस्थापना मेरा हुआ है, तब से नशे की हालत में आया करते हैं और कैंपस के अंदर ही कमरे में रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, में शिक्षा स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वही आपने यह भी बताया कि कई बार शिक्षक पीकर आया है, तो इस पर क्या प्रधानाचार्य की कोई नजर नहीं गई, प्रचार की उनका कोई बयान सामने नहीं आया? जी, वहाँ एक्चुअली क्या है कि यहाँ एक दूर क्षेत्र का एक विद्यालय है, और इस कारण से यहाँ के उच्च अधिकारी प्रधानाध्यापक भी के चार्ज में रही थे, और यहाँ के जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन लोगों तक भी खबर पहुँचाया गया, तो वायरल के माध्यम से ही उन लोगों को भी मिला। तो उन लोगों का यह कहना है कि हमारे संज्ञान में नहीं था, अब संज्ञान में आया है, जांच का यह विषय है, इसको जांच कर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। जी,
आपने बताया मामला संज्ञान में आ चुका है और वीडियो भी जमकर वायरल हो चुका है और अब यह वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंच गया है, तो उनका क्या बयान है इस पर? वो उनका यही कहना है कि ये जांच का विषय है, अगर यह सही पाया गया तो इस पर कार्रवाई होगा, जबकि त्वरित रूप से कार्रवाई के लिए कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है। जी, मामले की अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद राजेश। तो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली का, या जहां सरकारी स्कूल में शिक्षक पी कर आ रहा है, उसकी जबान लड़खड़ा रही है, वो बोल रहा है कि कभी कभी पी कर आता हूं, हर रोज नहीं पी पाता हूं। ये शिक्षा स्तर पर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और शराब पीकर मास्टर स्कूल पहुंच रहा है।